स्वागत है आपका यूट्यूब न्यूज चैनल में। मैं आपके साथ मोहम्मद यासीन नईपुरी। जैसा कि आप जानती ही हैं, जब से कर्नाटका में कांग्रेस सरकार शक्ति योजना के तहत महिलाओं को बस फ्री किया है, इसके बाद से काफ़ी सारे विवाद देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि जनता या तो बस कंडक्टर से झगड़ा करती है या तो यात्री जो है बस में जगह नहीं मिलने पर झगड़ते हैं, या तो कोई चोर भीड़ में घुसकर मौका देख के चौका मारता है। हम आपको बता दें कि आज कुछ इससे हट के अलग मामला देखने को मिला। बीजापुर जिला सिंदगी तालुका का निवासी, जिसका नाम वीर भद्रैया बताया जा रहा है, बुर्का पहनकर बेंगलुरु से हुबली बस से आया हुआ था। जैसा ही लोगों को उस पर शक हुआ तो हुबली बस स्टैंड में पकड़कर पूछताछ करने पर पूरा मामला आया सामने। हम आपको हमारी यूटीवी के माध्यम से यही बार बार कहते हैं, आप जब भी बस में सफ़र कर रहे हैं तो आप अपने सामान और अपने पैसों का, जो भी आप अपने साथ ले जा रहे हैं, उन सभी का ख्याल रखते हुए जाएं। ये वीडियो देखने के बाद आप भी सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों से, किसी से, अनजान महिला हो या पुरुष, किसी पर भी भरोसा ना करें। उस व्यक्ति को पकड़कर पूछा गया तो उस व्यक्ति ने बताया कि वो भीख मांगने के लिए बुर्का पहनकर आया हुआ था। आइए देखते हैं। ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಗೋಲಗೇರಿ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಲೇಡೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ? ಲೇಡೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ? ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾವಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದೆ. खैरात मांगने को मुस्लिम घर में ही गए तो इसको इज्जत है। कंडा कंडा बोलो, कंडा बोलो, बंद बिटर है ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರಿ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರಿ, ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿ. ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಗೋಲಗೇರಿ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ರಿ? ಲೇಡೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ? ಲೇಡೀಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕಿರಿ? ಹಿಂದೂ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ಯಾವಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ಇದು ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿರಿ ಅಂದೆ. ಖೈರಾತ್ ಮಾಂಗನೆ ಇತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮ ಇದೆ ಅದು ಇಸ್ಕು ಇಜ್ಜತ್ ಹೇಳಿ. ಕಂಡಾ ಕಂಡಾ ಬೋಲ, ಕಂಡಾ ಬೋಲ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರಿ, ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕಿ, ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಯಾಕೆ? लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए यूट्यूब एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए, साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।